कहते हैं ट्रेन इज अ लाइफ लाइन, आप भी क्या ट्रेनों में सफ़र करते हैं? अगर करते जरूर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अभी से लाइक करिए और शेयर करिएगा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार। माना जाता है कि ट्रेन एक ऐसी सुविधा है जिसको यूज़ करके हम जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं और बड़ी ही आसानी से बड़ी आरामदायक तरीके से पहुँच सकते हैं। लेकिन उसी ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, जिसको आपको फॉलो करना होता है। उस टर्म्स एंड कंडीशन में मेनली एक बेसिक ये आता है, एक टिकट, जो कि आपको टिकट खरीदना पड़ता है कुछ मनी देकर और आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसी टिकट को लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आप टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद आप सफ़र करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस टिकट को लेने के चक्कर में काफ़ी लोगों की ट्रेन छूट भी जाती हैं, काफ़ी लोगों को मजबूरन ट्रेन छोड़नी भी पड़ जाती है और काफ़ी लोग बेटिकट भी ट्रैवल कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों होता है ऐसा, सब पर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ईश्वर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की, जिसको यूज़ करके आप काफ़ी आसानी से अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक देख लीजिएगा। कुछ ये वीडियो भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी खास है। आज हमारे रेल रिपोर्टर शहनवाज अली ने पूरी रिपोर्ट कवर की है सीतापुर जंक्शन से। अब देखते हैं, बात करते हैं। सिंपली बात करें तो ट्रेनों में सफ़र करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है टिकट की, और टिकट को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है टिकट काउंटर पर, जहाँ आपको टिकट प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसी टिकट काउंटर पर जाने के लिए आपको घंटों घंटों लाइन लगानी पड़े, तब भी आप टिकट काउंटर पर ना पहुंच पाएँ, तो क्या आपको लगेगा? कुछ यात्री बेटिकट ट्रैवल कर लेते हैं और कुछ यात्री वापस चले जाते हैं या नेक्स्ट ट्रेन का इंतजार करते हैं। ऐसी कुछ खबर निकल के आ चुकी है सीतापुर जंक्शन से, अब बहुत बड़ी कवरेज है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको पहुँचाएँ, ऊपर तक पहुँचाएँ। दिक्कतें सामने निकल के आ रही हैं, इन पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और यात्रियों को आरामदायक सफ़र करने का मौका दिया जाए। यह है सीतापुर जंक्शन। सीतापुर जंक्शन देखिए, आजकल जनरली क्या हो रहा है, हर स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स लगाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने ATVM की जो वीडियो बनाई, उसमें मेरा कहने का मोटिव यही था, मेरा तात्पर्य यही था उस वीडियो को बनाने का, कि आप लोग अगर घंटों घंटों टिकट के लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं तो आप ATVM मशीन से अपने टिकट निकाल सकते हैं। तो ATVM मशीन को यूज़ करने के लिए भी तो आपको ATVM मशीन अवेलेबल होनी चाहिए हर स्टेशन पर। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, सीतापुर जंक्शन पर ATVM मशीन अवेलेबल है, साथ ही साथ ये टिकट काउंटर का हाल है। आज की वीडियो को बनाने का सिंपल मोटिव इतना है कि अभी बज रहा है करीब करीब 1:18 और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये है लखनऊ तक सफ़र करने वाले यात्रियों की। देखिए सामने, तो यहाँ पर काउंटर करीब करीब 3 से 4 काउंटर बने हुए हैं, साथ में विकलांग काउंटर भी बना हुआ है और सभी काउंटर पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है यात्रियों की। कि अब इसमें दो ऑप्शन है, यहाँ पर भीड़ किन किन की लगी हुई है। एक तो वो जो सिंपली आते हैं, लाइन लगा कर टिकट लेते हैं और ट्रेनों में सफ़र करते हैं। दूसरी लाइन उनकी लगी हुई है जिनके पास ATVM कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, लेकिन तब भी वो अपना टिकट प्रिंट नहीं कर सकते, ना निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ATVM मशीन जो सीतापुर जंक्शन पर लगी हुई है, उनका हाल कुछ ये है। ये देखिए, और ये आज की ही बात नहीं है, ये करीब करीब मैं 1 महीने पहले भी सीतापुर जंक्शन पर गया था, तब मैंने वहाँ पर देखा था ऐसा ही हाल था ATVM मशीन का। सारी ATVM मशीन्स, 2 ATVM मशीन्स वहाँ पर लगाई गई हैं और दोनों ही फ्लॉप हैं। एक भी मशीन लॉगिन नहीं है, सारी लॉगआउट हैं, सारी बंद है। और मुझे लगता है कि इससे जैसे दिक्कत है ना, डमी पीस, डमी रख दी गई है, कोई इसका मामला नहीं है, कोई काम नहीं लोगों के पास। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, भीड़ क्यों हो रही है टिकट काउंटर्स पर? प्लीज़ वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, भीड़ क्यों हो रही है टिकट काउंटर पर? एक तो वो यात्री जो टिकट लेके ही, जो लाइनों में लग के टिकट लेके ट्रैवल करते हैं, उनकी भीड़। सेकेंडरी, आपको ATVM कार्ड बना, आपको ATVM की सुविधा क्यों दी गई है कि आप ATVM कार्ड बनवाएं और लाइनों में लगने से बचें और अपना जनरल टिकट जल्द से जल्द निकलवा के आराम से अपने ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रैवल करने के लिए आपको ATVM मशीन्स अवेलेबल भी तो होने चाहिए, अवेलेबल है तो उसको ऑन भी तो होना चाहिए। लेकिन सीतापुर जंक्शन पर मैं बता रहा हूँ, करीब जितनी बार मैंने देखा उतनी बार तो एक ही बार ये मशीन ऑन नहीं रहती। जो हमें सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से भी मशीन हमेशा गड़बड़ ही रहती हैं, कभी ऑन नहीं रहती हैं। तो सेकेंडरी भीड़ तो ATVM कार्ड वालों की है, जो भी लाइन लगते हैं। समय आप देखिए, सामने बज रहा है 1:18 और अभी समय होने जा रहा है सीतापुर डालीगंज पैसेंजर का। देखिए अभी समय हो रहा है 1:18 और ये भीड़ आप देख सकते हैं, सारी लाइनों में जितने भी काउंटर है सब पर भीड़ लगी हुई है। कुछ ही पलों बाद 1:30 पर सीतापुर से डालीगंज के लिए पैसेंजर ट्रेन निकलने वाली है। 1:30 पर पैसेंजर ट्रेन सीतापुर से डालीगंज के लिए निकलेगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 मिनट के अंदर अंदर, और वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने के लिए करीब 2 मिनट का आपको चाहिए समय कि आप फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा सकें। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या इन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये जितने भी टिकट यहाँ पर काउंटर बने और जितनी भीड़ है, सारे टिकट सभी यात्रियों को मिल जाएंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कितनी स्पीड से आप दे देंगे भाई। तो यही मेरा मोटिव है आज की इस वीडियो बनाने का,
कि ये जो आपके स्टेशन पर लाइन लग, तो आज की वीडियो के जरिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ATVM मशीन्स ख़राब हैं प्लीज़ उनको भी सही करवाएं, और जो यात्री ATVM कार्ड जिनके पास है वो भी अपना टिकट नहीं निकाल सकते, तो क्या फ़ायदा है ATVM मशीन्स लगवाने का, ATVM कार्ड यात्री बनवाते हैं उनके बनवाने का, और ऐसे घंटों घंटों लाइनों में लगने का कि आपको ट्रेन भी अपने समय से नहीं मिलती, ट्रेन भी आपको छोड़नी पड़ जाती है, कुछ यात्रियों को बे टिकट भी ट्रैवल करना पड़ जाता है। अब देखिए 1:18 हो चुका, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के अंदर आपको लगता है कि ये पूरी यात्री जितने भी यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं सबको टिकट मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि 10 मिनट के अंदर ये टिकट अपना दे भी देंगे और यात्री ट्रेन तक पहुँच भी पाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन लगती है। तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या भीड़ है और क्या चल रहा है सीतापुर जंक्शन पर, और ये एक ही जगह की हाल नहीं होगी, काफ़ी सारे स्टेशन का हाल होगा जाहिर सी बात है। तो देखिए सिंपली मैं जितना हमें सूचना मिली उसके हिसाब से सीतापुर जंक्शन पर कभी भी ATVM मशीन ऑन ही नहीं होती है। एक बात हो गई कि हाँ आपकी मशीन ऑन है, आपने लॉगिन नहीं किया है या लॉग आउट है, लेकिन यहाँ तो मशीन ऑन ही नहीं होती है। जब मैंने देखा है, चाहे आप रात के समय में आओ, चाहे आप दिन के समय में आओ, चाहे शाम के समय में आओ, चाहे सुबह आओ, कभी भी आपको मशीन ऑन नहीं मिलेगी सीतापुर जंक्शन पर, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अभी तक जितनी बार मैंने देखा। तो इसके हिसाब से आपको बताना चाहूँगा, जितने भी अधिकारीगण सबसे मेरी रिक्वेस्ट है और जितना भी स्टेशन स्टाफ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो ATVM मशीन्स अगर ये गड़बड़ हो गई हैं तो इनको जल्द से जल्द या तो चेंज करवाया जाए या तो सही करवाया जाए, या तो इसको ऑन करके यात्रियों को जो सुविधा दी गई है ATVM मशीन्स की वो उसको यूज़ कर पाए, इसके लिए कुछ किया जाए। और आज की वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही था। और देखिए आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर अपडेट्स तो आपको मिलती रहेंगी लेकिन साथ साथ ऐसे जो मुद्दे हैं जिनसे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो मुद्दे भी यहाँ पर उठाए जाते हैं। मुद्दों को उठाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सही हो, आपको सुविधा मिले, बस सिंपल। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक और बात, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई खबर है तो आप हमें वीडियोस भेज सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें वीडियोस भेज सकते हैं।